साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्य पुस्तिका कक्षा 10 विषय विज्ञान के कार्य पत्रक संख्या 3 की, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संक्षारण किसे कहते हैं? आंसर होगा, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी के संपर्क में आती है तो उस पर जंग लग जाता है। इस क्रिया को संक्षारण या जंग कहते हैं। उदाहरण, लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ना। अगला है प्रश्न संख्या 2, किस घटना के कारण चांदी काली पड़ जाती है? तो आंसर होगा, क्योंकि चांदी हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके सल्फाइड का निर्माण करती है, जिसके कारण चांदी पर एक काली परत चढ़ जाती है जो कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड सल्फाइड की होती है। अगला है प्रश्न संख्या 3, कॉपर के ऊपर हरापन कौन सी अभिक्रिया के कारण दिखाई देता है, क्यों? आंसर होगा, कॉपर अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित नमी के साथ क्रिया कर कॉपर कार्बोनेट यौगिक बना लेता है जो कि हरे रंग का दिखाई देता है। यह क्रिया संक्षारण या जंग कहलाती है। अगला प्रश्न संख्या 4, निश्चित अवधि के पश्चात तेलीय खाद्य पदार्थों का स्वाद क्यों बदल जाता है? आंसर होगा, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं तो उपचयित होकर विद्युत गांधित हो जाते हैं, इससे उसके गंध तथा स्वाद बदल जाते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 5, सीलबंद चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो आंसर होगा, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगला प्रश्न संख्या 6, उपचयन अपचयन को परिभाषित कीजिए। तो उपचयन किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का निष्कासन उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, और अपचयन किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। अगला है प्रश्न संख्या 7, अवक्षेप क्यों प्राप्त होता है? आंसर होगा, अवक्षेपण अभिक्रिया के कारण प्राप्त होता है। और अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो विलयनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी श्वेत ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, तो वह ठोस पदार्थ जल में अविलय हो तो इस रासायनिक अभिक्रिया के अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया से प्राप्त ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 8, निम्न अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। BaCl2 plus H2SO4 इजिकल टू BaSO4 plus HCl। तो संतुलित होने के पश्चात BaCl2 plus H2SO4 इजिकल टू BaSO4 plus यहाँ पर 2HCl आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के दो आयन हैं और यहाँ पर एक है, इसलिए 2HCl हो जाएगा, बाकी इक्वल हैं। अगला है प्रश्न संख्या 9, पोटेशियम का प्रतीक लिखिए। तो पोटेशियम का प्रतीक के है। अगला है जल का रासायनिक सूत्र, तो H2O जल का रासायनिक सूत्र है। तो साथियों, इस प्रकार ये कार्य पत्रक संख्या 3 कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य कार्य पत्रक के सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।